टूट कर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा मुझे। कैसा अनोखा प्यार, माँ की तरह मुझे थामेगा वो, गिरने न देगा मुझे। मेरे आंखों के आंसू को पोछेगा वो, बाहों में लेगा मुझे। मिलके गाएंगे, टूट कर बिखरने न देगा यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा। तैयार है बाहों में जाने के लिए? आपकी निर्बलताओं में संभालने वाला, मेरी निर्बलता में मेरी सामर्थ्य यीशु मसीह का प्यार, जिसने अकेला न छोड़ा।
आवाज में मिलके यीशु आप आए कैसे यहाँ पे? नाम क्या है, कहाँ से आए हो? मेरा नाम लकी है। हाँ। और मैं तो इन आंटी को छोड़ने आया था यहाँ पे। आंटी को छोड़ने आए थे, फंस गए? मैं कहीं जा रहा था तो इनको छोड़ने आया मैं। पड़ोस में हमारे सामने आंटी है, मैं उनको हमेशा कहता था आंटी मेरे को चर्च लेके चलना, मैंने कभी देखा नहीं है चर्च कैसा होता है, क्या होता है वहाँ पे। तो मैं इनको छोड़ने आया, इन्होंने बोला बाहर ही छोड़ दो। मैंने नहीं, एक बार मैं अंदर छोड़ता हूँ आपको, देखता हूँ। तो मैं वहाँ सामने खड़ा हुआ था, आपके चर्च का नाम पढ़ रहा था। तो मेरे एक जयपुर में कोई प्लॉट का मामला है जो कि वो बहुत ही गंभीर, सब परेशान हो गए कि क्या होगा, क्या इतनी सी उम्र में इतनी बड़ी रिस्क ले ली, और मतलब वकील की फ़ोन आ रहे हैं और बड़ी धमकियां और ये सब। मैंने बाहर से बस प्रार्थना भी नहीं की, ऐसे ही बोला कि यार मेरा वो काम हो जाए तो अच्छा रहे। तो सेकंड डे संडे को वकील का फ़ोन आ गया, बोले टेंशन मत लो यार, आप तो आके मिल लो एक बार, कुछ नहीं होना। उसके बाद से तो मैं नेक्स्ट सैटरडे तो आपके यहाँ पर आ गया पूरी फैमिली लेकर के। आप में से कितने लोग धनी होना चाहते हैं? धनी हाथ ऊंचा कर लेना, अभी डेक लूट रही है, बाद में बोले प्रभु मैं रह गया। अच्छा, ओके, थैंक यू वेरी मच। आप में से कितने लोग शोहरत पाना चाहते हैं? शोहरत समझते हैं आप? ख्याति, हाथ ऊंचा करें, कितने लोग चाहते हैं? मुफ्त में मिल रही है, क्या दिक्कत है? वेरी गुड, नहीं इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है ना, कौन नहीं चाहता है। नंबर तीन, कितने लोग अनंत जीवन में प्रवेश करना चाहते हैं? ओह वेरी गुड। तो देखो, एक सस्ता सुंदर टिकाऊ रास्ता बताता हूँ। आप लोग बोलते हैं ना शॉर्टकट बताओ कोई, है ना? आज सुबह मैं आपको एक बहुत शॉर्टकट बताऊँगा इन तीनों चीज में प्रवेश करने के लिए, इन तीनों चीज़ों को प्राप्त करने के लिए। आपको चाहिए वो शॉर्टकट? प्रभु के रास्ते में कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर ये तीन चीज पाने के लिए बहुत शॉर्टकट रास्ता बता रहा हूं। हालेलुया। तो पढ़ेंगे नीति वचन 22 अध्याय और उसका 4 पद, ये शॉर्टकट है। नम्रता, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, और यहोवा का भय मानने का फल। नम्रता, मैं उस लड़की की बात नहीं कर रहा जिसका नाम आपने नम्रता रख दिया हो या यहां बैठी हो, मैं उस नम्रता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उस नम्रता की बात कर रहा हूं जिसको इंग्लिश में हम्बलनेस बोलते हैं। नम्रता और ईश्वर का भय मानने का फल, फल फल बोलो, फल क्या होता है? धन, धन बोलो, धन और महिमा, महिमा और जीवन होता है, और जीवन होता है। काय का फल? हर एक चीज का हम पेड़ लगाते हैं, उसके बाद उसका फल आता है, उसके रिजल्ट्स आते हैं। तो बाइबल ऐसा बोलती है, सबो नीति वचन का लेखक सुलेमान बादशाह बोलता है कि नम्रता और ईश्वर से डरना, यहोवा का भय मानने का फल धन महिमा और जीवन है। अगर आप धनी होना चाहते हैं तो आप नम्र बनिए। कुछ लोग अमचूर की तरह अकड़े हुए रहते हैं, हमेशा अकड़ में चलते, पता नहीं काई बात का अकड़ है। अकड़ लोग हमेशा फक्कड़ रहते हैं, ध्यान रखना, अकड़ लोग फक्कड़ ही रहते हैं। जो अकड़ में रहते हैं ना, अपनी मैं ही दुनिया में मैं सब कुछ हूं, बाकी कोई घास कूड़ा है बाकी सब, इसको बोलते हैं अकड़। अक्कड़ लोग फक्कड़, पर नम्र लोग क्या प्राप्त करते हैं? धन महिमा, यानी महिमा का मतलब ख्याति प्रतिष्ठा,
और जीवन, जीवन का मतलब ये जीवन से बात नहीं हो रही है, इसके बाद एक और जो जीवन है जिसको अनंत काल का जीवन बोलते हैं उसमें प्रवेश करते हैं। हालेलुया। पर ये नम्रता आती कहां से है? गलतियों का पांचवा अध्याय और उसके पर आत्मा का फल, हाँ पर ये कौन सी आयत है? 22 आयत और 23 आयत को पढ़ेंगे। नम्रता का कहां से आती है वो बताना आप जानना चाहते हैं? हाँ बोलिए, बढ़िया। पर आत्मा का फल, बोलो आत्मा का फल। आत्मा के फल नहीं है भाई, काय का फल है? आत्मा का फल पढ़ो, प्रेम, आनंद, आनंद, शांति, शांति, धीरज, धीरज, कृपा, कृपा, भलाई, भलाई, विश्वास, विश्वास, नम्रता, नम्रता, और संयम है, और संयम है, और ऐसे ऐसे कामों के, ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये जो फल है पवित्र आत्मा का एक फल है, क्या है? पवित्र आत्मा का एक फल है। इस एक फल में 9 फाक हैं। जैसे एक संतरा आप लेके आते हैं, एक फल होता है वो, राइट? उस संतरे को जब आप खोलते हैं तो वहां आपको 9, 10, 12 फल फाक निकलती है। पवित्र आत्मा पाया हुआ इंसान इन फाकों से लदा हुआ होना चाहिए। फल है ये एक, लेकिन अंदर कितनी चीज निकलनी चाहिए? 9। जैसे एक एक फाक निकाल के हम खाते हैं ना, नारंगी की होता है, नारंगी में खाई है आपने? नारंगी खाई कभी? अलग अलग होती कि नहीं होती है? हैं? अलग अलग होने के बाद भी बाहर से एक पर्दे से पूरी जुड़ी हुई होती है। ऐसे ही पवित्र आत्मा का फल, हालेलुया, 9 फाक है उसके अंदर, और उस 9 फाक में एक फाक नम्रता का भी है, और वो नम्रता जिसके जीवन में आती है वो नम्र व्यक्ति को धनी बना देती है। आप में अगर अकड़ है तो आप वचन भी नहीं सीख पाएंगे। अगर आपको ये घमंड हो गया है, पढ़िएगा नीति वचन, एक और आयत निकाल के हम पढ़ेंगे नीति वचन के अंदर 16 अध्याय और उसके 18 और 19 पद को पढ़ें। विनाश से पहले घमंड आता है और ठोकर, बस थैंक यू, पहले जरा इसको बात करें। विनाश से पहले इंसान के जीवन में क्या आता है? गर्व, घमंड, प्राइड जिसको बोलते हैं। किसी भी वस्तु का घमंड ना करें। आप बहुत खूबसूरत हैं, गोरे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, आपके पास बहुत टैलेंट है, आप बहुत अच्छा बजाना जानते हैं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं आप बहुत पढ़े लिखे हैं, आप बहुत ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, मैं सोचता हूं इन सब बातों पे गर्व करना मूर्खता है। और जो गर्व करता है, बाइबल में लिखा है विनाश से पहले घमंड आता है जीवन में। अगर आपके जीवन में घमंड आने लगा है, किसी बात पर आप प्राइड करने लगे हैं, आपकी दुकान बहुत अच्छी चलने लगी है, आप घमंड करने लगे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में बहुत आपको प्रमोशन मिल रहे हैं, आप घमंड करने लगे हैं, याद रखना घमंड विनाश की ओर लेके चला जाता है। जब आपके जीवन में घमंड आए तो समझ लेना उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब बहुत जल्दी पतन होने वाला है, आप बिल्कुल उल्टे उल्टे शुरू हो गए हैं आप। मैं अपने पिता के पास जब भी मेरे कमरे में उनके कमरे में जाता हूं, वो मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते मुझे नहीं मालूम, पर मुझे हमेशा एक बात बोलते हैं, बेटा एक बात का ध्यान रखना, अपने जीवन में कभी घमंड मत लाना। शायद उन्हें लगता होगा कि मैं प्रचार करता हूं, मेरे फैंस बढ़ रहे हैं, मेरे मेरे जो चाहने वालों की संख्या है वो बढ़ रही है,
तो उन्हें लगता होगा कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरा बेटा जो है इसका घमंड करना शुरू कर दे। इसलिए वो मुझे हमेशा जब भी उनके कमरे में जाऊंगा वो मुझे एक बात जरूर बोलते हैं, बेटा तू बहुत अच्छा प्रचार करता है पर देख ध्यान रखना घमंड नहीं करना कभी। और दूसरी एक और बात बोलते हैं, दो बात बोलते हैं मुझे हमेशा, और बोलते हैं बेटा लालच मत करना, किसी भी चीज का लालच मत करना, खुदा तुझे वैसे ही सरफराज कर देगा। ये बात हमेशा उनके मुंह से मेरे को सुनने को मिलती है। और मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे कोई बोलने वाला तो है, ऐसा है समझाने वाला है, और मैं इस बात का ध्यान भी रखता हूँ किसी भी बात का घमंड ना करें, क्योंकि घमंड विनाश की ओर उल्टी गिनती शुरू कर देता है। विनाश से पहले क्या आता है इंसान के जीवन में? घमंड। किसी भी बात का घमंड ना करें। अगर आपको लगता है कि मैं तो घमंड के बिना रह ही नहीं सकता हूं, अगर आप में से बहुत सारे लोगों को लगता है मैं तो घमंड किए बिना रह ही नहीं सकता हूं, तो एक विषय मैं आपको देता हूं उस पर आप घमंड कर सकते हो। यीशु मसीह मेरे लिए क्रूस पर मरा, इस बात पर आप घमंड कर सकते हो। इस बात के अलावा किसी बात पर घमंड, यीशु आपको जानता है, आप यीशु को जानते हो और यीशु मेरे लिए क्रूस पर मरा, इस बात का आप क्या करें हमेशा घमंड करें, यीशु मेरा है, हालेलुया। इसके अलावा किसी बात का घमंड ना करें। कभी कभी क्या होता है आत्मिक घमंड सबसे खतरनाक होता है, ध्यान रखना। मुझे बहुत आता है, मेरे जैसा कोई बजाता नहीं है, मेरे जैसा कोई गाता नहीं है, मैं मंच पर चढ़ता हूं तो ऐसा हो जाता है वैसा हो जाता है, ये तो सबसे ज्यादा खतरनाक वाला घमंड है। घमंड इंसान को विनाश के समुन्द्र में ले जाकर पटक देता है। घमंड उल्टी गिनती हमारे जीवन में शुरू कर देता है। इसलिए इस बात को ध्यान रखें किसी बात का घमंड अच्छा नहीं है। मैं तो कहता हूं कभी कभी कुछ लोग अपनी पत्नी पर घमंड करते हैं, कई पति पर घमंड करते हैं, कई बच्चों पर घमंड करते हैं। मैं तो कहता हूं आप किसी पे भी घमंड करो मत करो, यीशु पे घमंड करो बस। यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरा है, मैं यीशु को जानता हूं, यीशु मुझे जानता है, वो कभी आपको धोखा नहीं देगा। आपकी पत्नी का कोई भरोसा नहीं है, कब आपको कटघरे में खड़ा कर दे। मेरी बाइबल में लिखा हुआ है परम मित्र से भी संभल के बोल और अपनी अर्धांगिनी से भी थोड़ा संभल के रहे, क्या पता क्या हो जाए। तो किस बात पे घमंड करें? केवल यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। एक गाना भी है, और किसी बात पे घमंड ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़ प्यारो, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़, और किसी बात की घमंड ना करें, यीशु मसीह के क्रूस को छोड़। किसी बात पर घमंड ना करें क्योंकि घमंड विनाश की ओर ले जाता है। और उसके बाद लिखा है ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। जब आप चलते हैं ना ठोकर खाते हैं वहां पे। नबूकदनेस्सर राजा ने छत के ऊपर जाकर बोला ये बड़ा बाबुल मैंने बनाया है, सोचा था, बोला नहीं था, सोचा था। और एक आवाज वहां से आ गई, हे नबूकदनेस्सर 7 साल तुझे जानवरों के बीच में रहना पड़ेगा, ये बड़ा बाबुल तूने बनाया है, 7 साल तक जानवरों के बीच में रहा, घमंड ना करें, कभी भी बुद्धि फिर जाएगी। किस बात पे घमंड है? हालेलुया। आपके द्वारा मुर्दे जिंदा हो गए उस पर भी घमंड ना करें, क्योंकि वो तो कर कौन रहा है, यीशु कर रहा है। मेरे द्वारा चंगाइयां हो रही हैं, छुटकारे हो रहे हैं, इस बात पे घमंड ना करें, क्योंकि वो तो कर कौन रहा है, यीशु कर रहा है। प्रॉब्लम क्या है, हम यीशु का नाम बीच में ले आते हैं, यीशु अपने नाम के निमित्त चमत्कार करता है भाई, हालेलुया। तो इस बात पे ध्यान रखें कि घमंड ना करें। अगली आयत को पढ़ेंगे, घमंडियों के संग
घमंडियों के संग लूट बांट लेने से घमंडियों के साथ जो पैसा आता है या आता है उसको बांट लेने से दीन लोगों के संग नम्र भाव से रहना उत्तम है। हेलो, नम्रता का फल, नम्रता और यहोवा का भय मानने का फल, ध्यान से सुनिएगा, नम्रता और यहोवा का यानी परमेश्वर का भय मानने का फल, प्रतिफल, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, रिवार्ड, फल, वो क्या है, धन, और दूसरा है महिमा, और तीसरा है जीवन। अब आप मुझे एक बात बताइए, मैं गांव का आदमी हूं, ठेठ गांव का, ठीक है, और ज्यादा कोई पढ़ा लिखा भी नहीं हूं, पर मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैं नम्र हूं। पता नहीं आप लोग मुझे क्या समझते हैं, पर मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि मैंने अपने जीवन में नम्रता को धारण कर रखा है। उस नम्रता का फल धन मिला कि नहीं, मुझे बोलो, मैं हूं कि नहीं धनी? अरे हाँ ना, कुछ तो बोलो, मैं हूं भाई, किसने बनाया मुझे धनी? प्रभु ने। आशीषें ऊपर से आती हैं, हालेलुया। किसी व्यक्ति की विसात नहीं है कि आपको ऊपर ले आए, जब तक यहोवा ना ठान ले आपको आपके बारे में। तो धन, और दूसरा महिमा, महिमा प्रतिष्ठा, ख्याति। अच्छा बताओ, मिली है कि नहीं? अभी बिली ग्रहम एसोसिएशन की मीटिंग है, मैं तो वहाँ गया भी नहीं था पास्टर जी, जब मुझे जर्नल कन्वीनर बनाया, मेरे कांधे पे इतनी सारी चीज़ें रखी, मैं था भी नहीं वहाँ पर, लेकिन मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर मुझे आपको फेवर कर रहा था वहाँ पर। हालेलुया, यीशु मसीह ने कहा तुम पृथ्वी के क्या हो? मैं विश्वास करता हूँ मैं पृथ्वी का नमक हूँ। अगर मैं पृथ्वी का नमक नहीं हूँ तो कम से कम मैं अजमेर का नमक तो हूँ ही हूँ, क्योंकि अजमेर का काम कारमेल के बिना चलेगा नहीं। कुछ लोग बोलते हैं ओ कारमेल का ठेका है क्या स्वर्ग ले जाने का? हाँ भैया, इसी काम में लगे हुए हैं, खुद भी स्वर्ग जाएंगे और हजारों को और ले जाएंगे। हालेलुया। कभी कभी ऐसा लोग बोलते हैं ओ उसकी कलीसिया में बहुत सारे लोग आते हैं इसलिए उसको घमंड है। नहीं नहीं भाई, मेरे को घमंड नहीं है, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा है। क्या है? ऊंट के मुंह में जीरा है। जहां 12 लाख लोग रहते हैं वहां अगर 1200 लोग मेरे पास आते तो कौन सी बड़ी बात कर दी, कौन सा कोई तीर मार दिया मैंने? हां, 1200 लोग, 12 लाख लोगों में से 2 लाख लोगों की मंडली होना चाहिए एक एक पादरी के पास। हालेलुया, हालेलुया। तो धन, महिमा और इज्जत, जीवन कौन देता है? प्रभु देता है, लेकिन वो काई का फल है, नम्रता का। मैं जब से 24 साल से मैं प्रभु की सेवा में आया, 24 सालों से मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूं, मैंने ईंट का जवाब कभी पत्थर से नहीं दिया, गाली का जवाब कभी गाली से नहीं दिया। लोगों ने मुझे धमकाया, मैं चुपचाप रहा। मैंने बस खुदा से एक ही बात कही, खुदा मुझे तेरा फेवर चाहिए, तेरा फेवर चाहिए। हालेलुया। और मैं 24 साल से खुदा के फेवर में खड़ा हुआ हूँ और खुदा मेरे फेवर में खड़ा हुआ है। हालेलुया। और जब से मैं प्रभु की सेवा में आया हूँ, धन, महिमा और जीवन तीनों मेरा है। धन और महिमा तो आप देख ही रहे हैं, और जीवन तो जिस दिन आप 2 गज खड्डे में मुझे उतारोगे उसके बाद मेरा एक और जीवन शुरू होगा। उस जीवन के लिए आज मैं क्या कर रहा हूँ? प्रयास कर रहा हूँ। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो किसी ने उससे सवाल किया, बच्चे से, कि तुझे क्या जरूरत है हाथ की, तुझे क्या जरूरत है तुझे पाँव की, तुझे क्या जरूरत है आंखों की, तू तो अपनी माँ के गर्भ से कॉर्ड से सब कुछ प्राप्त कर रहा है। तो बच्चे का अंदर से जवाब आता है, अरे भाई सुनो, अभी मेरी एक दुनिया है जो माँ का पेट है,
मैं कुछ दिनों के बाद इस दुनिया से एक अलग दुनिया में जाने वाला हूं, और जब मैं उस दुनिया में जाऊंगा मुझे हाथ की जरूरत होगी, मुझे पांव की जरूरत होगी, इसलिए यहां रहकर मैं अपने आप को डेवलप कर रहा हूं। हालेलुया। तो लोग बोलते हैं कि भक्ति की क्या जरूरत है, लोग बोलते हैं कि आराधना की क्या जरूरत है, लोग बोलते हैं कि दशमान डालने की क्या जरूरत है, लोग बोलते हैं बाइबिल पढ़ने की क्या जरूरत है, आत्मिक जीवन जीने की क्या जरूरत है। अरे भाई, मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि एक और जीवन में मैं प्रवेश करने वाला हूं। उस जीवन में प्रवेश करने के लिए अभी तैयारी करने का वक्त है। हालेलुया। अगर अभी तैयारी नहीं करोगे तो क्या होगा मालूम है? एक बच्चा पैदा हो जाए और उसके हाथ ना हो, पांव ना हो, दुनिया की कोई ताकत उसे हाथ पांव दे सकती है? नहीं दे सकती है। बढ़ने का समय कहाँ है मालूम है? माँ का पेट। इसी प्रकार से उस अनंत जीवन में प्रवेश करने का जो तैयारी का समय है ना, ये 60-70 साल का जो जीवन है इसमें तैयार होना है ताकि अनंत जीवन में हम प्रवेश हो सके। हालेलुया, हालेलुया। तो आज इस बात को अपने जीवन में गांठ बांध के जाएं कि धन, महिमा और जीवन नम्रता और यहोवा का भय मानने का प्रतिफल है। और पवित्र आत्मा पाए हुए लोग आत्मा के फल, आत्मा का फल आपके जीवन में नहीं है। जैसा मैंने पिछले रविवार को प्रचार में बताया था कि पवित्र आत्मा उसने हमें बयाने में दिया है, इनाम में दिया है, और हमारे माथे पर एक सील कर दी है। अब पवित्र आत्मा पाए हुए लोग, अगर ये फांक नहीं है तुम्हारे जीवन में, नम्रता की फांक नहीं है, तो आपका दावा झूठा है कि आप पवित्र आत्मा पाए हुए हो। क्योंकि आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, नम्रता, विश्वास, संयम, ये 9 फांके हैं। और ये फांके अगर आपके जीवन में नहीं है तो आपका दावा झूठा है। क्योंकि बाइबल बोलती है पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। आत्मा का फल, हर व्यक्ति में ये 9 फल होना बहुत जरूरी है। और अगर आपके जीवन में ये 9 फल नहीं है तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज गरीबी आपका पीछा क्यों कर रही है, क्योंकि आप में आत्मा का वो फल नम्रता नहीं है। आप नम्र बनना शुरू कीजिए, धन आपके पास आने लगेगा। आप नम्र बनना शुरू करिए, आप आशीष पाना शुरू करेंगे, आपको लोग पसंद करना शुरू करेंगे, प्रतिष्ठा मिलने लगेगी। हालेलुया। जो कड़वा बोले उससे कौन बात करेगा रे, लेकिन जो नम्र होगा उससे क्या करेंगे? नम्रता किस प्रकार से प्रकट होती है मालूम है? गाली खा के कभी गाली नहीं देना, ईंट का जवाब कभी पत्थर से नहीं देना। मती के 5 अध्याय उसके 5 पद में प्रभु यीशु मसीह ने धन्यवादियों के बीच में भी इस बात को डाल दिया, धन्य है वे जो नम्र हैं, जो नम्र हैं, क्योंकि वे पृथ्वी, क्योंकि वे किसके अधिकारी होंगे? पृथ्वी के अधिकारी होंगे। देखो, 2 गज जमीन तो हमें चाहिए, वो तो हमें मिल जाएगी, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कब्रिस्तान के लिए तो मिल जाएगी, लेकिन पृथ्वी के अधिकारी होने का क्या अर्थ है? पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब यह है यीशु मसीह लोगों के दिलों में राज करता है, और एक पास्टर जो अच्छा पास्टर होता है ना, वो भी लोगों के दिलों में राज करता है। इसको बोलते हैं पृथ्वी का अधिकारी होना। हालेलुया। तो हम जो काम कर रहे हैं ना, वो इसलिए कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं आज सुबह के समय में, आपके जीवन में कितना भी बड़ा विनाश सामने खड़ा हो, आपका परिवार टूटने पे खड़ा हो, सामने बड़ा मगरमच्छ खड़ा हो, सामने बड़ी समस्या खड़ी हो, आंधी और तूफान खड़ा हो, और विनाश का आर्डर भी आपके लिए निकल गया हो, परिस्थितियां आपके बिल्कुल विपरीत हो गई हो, पर एक बात ध्यान रखना, धर्मी बुरे समाचार से डरता नहीं है, क्योंकि उसको मालूम है हर परिस्थितियां कंट्रोल करने वाला मेरा प्रभु है। हालेलुया। राजाओं के मन को भी वो ही कंट्रोल में रखता है। जिधर से बाइबल का मैंने अनुभव किया, बाइबल में लिखा हुआ है जिधर से आदेश आता है कि मार दो, उधर से ही दूसरा आदेश आता है जीने दो। हालेलुया।
हालेलुया। ऐसा नहीं हुआ क्या बाइबल में? हुआ। यर्मिया 38 अध्याय पढ़ लेना। सिद्दिकिया बादशाह के वहां से एक आदेश निकला कि यर्मिया को कुएं में डाल दो, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद राजाओं के मन को बदल देने वाले परमेश्वर ने काम किया और सिद्दिकिया ने बोला मरने से पहले उसे बाहर निकाल लो। है? हमारा परमेश्वर वो है जो राजाओं के मन को बदल देता है। विनाश आपके सामने खड़ा हो, विनाश का समुद्र आपके सामने खड़ा हो, पर एक बात ध्यान रखना, एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। घबराने की जरूरत नहीं है उस समय, बस यहोवा पर भरोसा रखना, क्योंकि वो सब कंट्रोल करके चल रहा है। एवरीथिंग इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गॉड। हर परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। समुद्र खड़ा हो सामने। मूसा, बाइबल के अनुसार मूसा के लिए लिखा है, मूसा इस दुनिया का सबसे नम्र व्यक्ति था, यह परमेश्वर गवाही दे रहा उसके लिए। और एक नम्र व्यक्ति के सामने कौन खड़ा है? लाल सागर। उस नम्र व्यक्ति ने जब पीछे मुड़ के देखा तो फिरौन की सेना खड़ी है, यानी आगे भी मौत और पीछे भी मौत। लेकिन मूसा कौन था? ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड। जब उसने खुदा को बोला, खुदा क्या करूं ऐसी परिस्थिति में, क्योंकि मूसा तो बाइबल में सबसे नम्र व्यक्ति था, नम्र व्यक्ति के सामने कोई पहाड़ खड़ा नहीं हो सकता है, कोई समुद्र खड़ा नहीं हो सकता है, नम्र व्यक्ति को रास्ता देना ही पड़ेगा, ऐसा बाइबल बताती है। और उसने लाल समुद्र पे अपनी लाठी को मारा, अधिकार का इस्तेमाल किया और लाल समुद्र में रास्ता बन गया। जब विश्वासी के जीवन में ऐसी परिस्थिति आए तो नम्रता को धारण करना, विनाश टल जाएगा, विनाश टल जाएगा, विनाश टल जाएगा। हालेलुया। मैं बाइबल में से कुछ उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, निकाल के पढ़ेंगे हम। पहला राजा उसका 21वां अध्याय और उसके 25 अध्याय आयत से 29 पद तक, वहां पर एक राजा है जिसका नाम है अहाब। सचमुच अहाब बादशाह के विषय में बहुत कुछ बातें आप जानते हैं। अहाब जो था, ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, वो परमेश्वर का भय मानने वाला व्यक्ति था कि नहीं? लेकिन कुछ ही दिनों के बाद उसकी नजर इजीबेल पे पड़ गई। बस प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। नजर काई पे पड़ गई? अरे हाँ, ना कुछ तो बोलो ना। इजीबेल, इजीबेल कौन है मालूम है? एक महिला। वो महिला कौन है मालूम है? मूर्ति पूजक, खतरनाक। उससे उसका क्या हो गया? अफेयर हो गया। बाद में उससे शादी कर ली, पत्नी बन गई। और जब वो पत्नी बन गई तो उसने ना केवल अहाब को बिगाड़ा, लेकिन अहाब के साथ साथ पूरे इज़राइल को मूर्ति पूजा में धकेल दिया। कॉम्प्रोमाइज मत करना परमेश्वर के जन, कभी समझौता नहीं करना, गलत बातों में समझौता नहीं करना। अहाब बादशाह के जीवन में क्या हुआ वो मैं आपको पढ़ के बताना चाहता हूं। सचमुच अहाब के तुल्य और कोई नहीं, अहाब के तुल्य कोई नहीं था, जिसने अपनी पत्नी के इजीबेल के उकसाने पर वह काम करने को जो परमेश्वर की दृष्टि, वो काम किया उसने जो परमेश्वर की दृष्टि में क्या था? बुरा था। किसने उकसाया उसे? मैम साहब ने। हेलो, किसने उकसाया? फल खाने के लिए आदम को किसने उकसाया? मैम साहब ने, मैडम ने, मैडम ने एडम को फल खिला दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ? अपने को बेच डाला था। अपने को बेच डाला, आत्मा, अहाब ने अपनी आत्मा को बेच डाला, अपने विवेक को बेच दिया। वह तो, अरे उधर की क्या बात करें, यीशु मसीह के साथ उसका गुरु के साथ चेला था, चेले ने गुरु को बेच दिया। किस सिक्के में? 30 चांदी के सिक्कों में। अपना गुरु बदलते हैं क्या कोई? मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि वो अपने गुरु के पास जाता, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह के पास जाता और कहता, प्रभु मुझे 30 चांदी के सिक्के चाहिए।
तो आप बताइए विपिन साहब, क्या यीशु मसीह उसकी आवश्यकता को पूरी नहीं कर सकता था? करता, लेकिन क्या करा? 30 चांदी के सिक्कों में जिस गुरु के साथ एक अटैचमेंट था उसको क्या कर दिया? आज छोटी छोटी आवश्यकताएं हमें प्रभु के दास से, प्रभु के प्रेम से अलग कर दी, जिसने तुम्हारे लिए बदरुएं निकाली तुम्हारी। हेलो, यहाँ बहुत सारे परिवार ऐसे बैठे जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं थी, उनके उनके लिए प्रार्थनाएं की, छुटकारा मिला, है ना? कौन है कोई? देखो कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको हमने प्रार्थनाओं के द्वारा छुटकारा दिला है। अब वो लोग अगर किसी और कलीसिया में जाने लगे तो कैसा लगेगा? लगेगा ना, है? लगेगा। इसने क्या किया? अहाब ने कुछ लालच के वशीभूत, कुछ बातों के अंदर आकर अपनी पत्नी का कहना मानकर क्या करा? अपने आप को बेच डाला। और फिर क्या हुआ बेटे? वह तो उन एमोरियों के समान, हाँ, जिनको यहोवा ने इजराइलियों के सामने से देश से निकाला था, हाँ, बहुत ही घिनौने काम करता था। अहाब बादशाह अब क्या करने लगा? गंदे काम, घिनौने काम। क्यों? इजीबेल मैडम। और फिर उसके बाद क्या हुआ? अर्थात मूर्तों की उपासना करने लगा। क्या करने लगा? एक जीवित परमेश्वर की आराधना करने वाला व्यक्ति आज एक मैडम के चक्कर में मूर्ति पूजा कर रहा है। क्या आप मेरे साथ हैं विश्वासियों? क्या आपको समझ में आ रहा है? ही वॉज अ मैन ऑफ गॉड, ही नोज द गॉड, लेकिन क्या करे, मैडम के चक्कर में आज क्या कर रहा है? वो मूर्ति पूजा कर रहा है। आगे बेटा, एलिया के ये वचन सुनकर, एलिया ने कुछ बातें बोली जो बाइबल में अभी यहां दिखाई नहीं दे रही, पर मैं ऐसा समझता हूं कि एलिया ने जाकर उसे कहा होगा, ए अहाब, तेरा विनाश तेरे द्वार पर खड़ा हुआ है, क्योंकि तूने इजीबेल की बात मानी, क्योंकि तूने लोगों को मूर्ति पूजा में धकेल दिया, क्योंकि तूने इसराइल का ध्यान सच्चे परमेश्वर से हटाकर मूर्तियों में धकेल दिया, इसलिए सुन, तेरा विनाश द्वार पर खड़ा हुआ है, निश्चय तू विनाश की ओर जाने वाला है। ऐसा इस आयत से प्रतीत होता है, अभी अपन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पढ़ो बेटा, एलिया के ये वचन सुनकर अहाब ने अपने वस्त्र, अहाब ने अपने क्या फाड़े? वस्त्र फाड़े। जब उसने देखा कि मेरा विनाश फाटक पे खड़ा हुआ है, जब उसने देखा कि मैं अब बर्बाद होने वाला हूं, जब देखा कि अब कोई चारा नहीं है बचने का, एक ही चारा था, उसने अपने वस्त्र फाड़ डाले। वस्त्र फाड़ने का मतलब समझते हैं हम? सच्चा पश्चाताप। राजकीय वस्त्रों को उसने क्या करा? फाड़ डाला। और बाइबल बताती है उसने टाट पहन लिया। पढ़ो आगे, और अपनी देह पर टाट लपेट, और अपनी देह पर कौन सा था कपड़ा पहन लिया? टाट पहन लिया, उपवास, राजकीय वस्त्र उतार दिया, वस्त्रों को फाड़ डाला और बोला, आज के बाद मैं राजा कहलाने के लायक नहीं हूं। क्या आपको कभी गिल्टी कॉन्शियस हुए कि मैं तो विश्वासी कहलाने के लायक भी नहीं हूं? क्या आप कभी गिल्टी कॉन्शियस हुए कि ये गलत काम मेरे से हुआ, मैं लीडर की तो बात छोड़ो, मैं तो एक विश्वासी कहलाने के लायक नहीं हूं? क्या कभी आपने उड़ाऊ पुत्र के समान पश्चाताप किया अपने जीवन में कि हे प्रभु, मैं तो बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मुझे तो नौकर समान रख लो प्रभु? हमारे जीवन में क्या है मालूम है? पहले तो चोरी और फिर सीना झोरी। पहले तो हम क्या करते हैं? चोरी, गलत काम करते हैं, और फिर वस्त्र फाड़ने के बजाय सीना चोरी करते हैं। लेकिन राजा को जब मालूम पड़ा कि मेरा विनाश समुद्र विनाश बिल्कुल फाटक पे आ गया है, और अगर एलिया ने कहा है तो जरूर घटने वाला है, क्योंकि वो एलिया से बहुत डरता था, ध्यान रखना। तो भाई साहब गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, वो एलिया से बहुत घबराता था। जो एलिया बोले वो तो होके रहेगा, उसको पता था। प्रभु के दास से अगर कोई मुंह से कोई बात निकली है ना, तो वो जरूर पूरी होती है, ध्यान रखना। वो बहुत तोल के बोलता है, ऐसे नहीं बकबक करता है, और विशेष तौर से मेरे जैसा प्रभु का दास फालतू की बात नहीं करता है।
मैं बहुत तोल के बोलने वाला इंसान हूं, बोलने से पहले बहुत सोचता हूं कि मैं अगर वैसा बोल रहा हूं तो इसका परिणाम क्या होगा। राजा को जब ये मालूम पड़ा तो उसने अपने वस्त्र फाड़े, राजकीय वस्त्रों को उतार दिया और टाट पहन लिया। तीसरा वो उपवास करने लगा। क्या करने लगा? उपवास करने लगा। क्या कभी आपने अपने वस्त्र फाड़े? क्या कभी आपने पछता कर कहा, हाय प्रभु ये हुआ, ये मेरे परिवार में जो घटना घटी है मेरी वजह से घटी है, ये कलीसिया में जो अवनति हो रही है मेरी वजह से हो रही है, हे प्रभु मुझे क्षमा कर। क्या कभी ऐसा पश्चाताप आपके जीवन में आया? आपके जीवन में ऐसा पश्चाताप आया। गलती हर इंसान से हो सकती है, ध्यान रखना, पर हाय उस पर जो उस गलती में पड़ा रहता है। पर प्रभु को धन्यवाद दो कि तुम्हें उस गलती में से कोई निकालने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को क्या करना चाहिए उस समय जब हमारे जीवन से गलती होती है? अपने वस्त्र को फाड़ना चाहिए, उस उड़ाऊ पुत्र के समान बन जाना चाहिए। बोले, पिता मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में, दोनों के विरुद्ध में पाप किया है, अब तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, यहां पर नौकर के समान रहूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पोछा लगाऊंगा, लेकिन मैं जो है इसका इस लायक नहीं हूं, मुझे मुझ पर दया कर। तो क्या प्रभु ने दया नहीं की उस पर? क्या पिता ने दया नहीं की उस पर? की। क्या उसे नौकर के समान रखा? नहीं रखा। लेकिन आप में तो ये एटीट्यूड होना चाहिए ना, वो एटीट्यूड आपके अंदर देखना चाहता है बस प्रभु। और उसके बाद उसने लिखा है कि उसने उपवास रखा और प्रार्थना की और टाट ही ओढ़े पड़ा रहने लगा। क्या ओढ़ के पड़ा रहा? टाट ओढ़ के पड़ा रहा। और दबे पांव चलने लगा। और कैसे चलने लगा? चाल बदली। पहले कैसे चलता था? अकड़ गए। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मेरी तो आवाज ही ऐसी है, मैं क्या करूं? तो ऐसा बोलने से काम चल जाएगा क्या? आवाज ऐसी है तो एक काम कर, प्लास्टर लगा ले, स्टिकन प्लास्टर, निकाले ही मत आवाज, बोले ही मत, क्योंकि तो आवाज ठीक नहीं है। नहीं, हम अपने जीवन में जुबान को कंट्रोल कर सकते हैं। मीठा बोलने के पैसे लगते हैं क्या? है मैडम, पैसे लगते कुछ है? आपके यहाँ पर मीठा बोलने की कोई क्लास चलती है? हाँ जी, आपके इस ऑल सेंट स्कूल में। अरे मीठा बोलना प्रभु सिखाता है ना, प्यार करो। और ये राजा कैसे चलने लगा? दबे पाँव। क्या हो गया है? अब शर्म से इसका सर झुका हुआ है। ये क्या दिखा रहा है इसका एटीट्यूड? बोलो ना जरा, पीछे वाले बोलो ना, ये एटीट्यूड क्या दिखा रहा है? ये घुटनों में चला गया, वस्त्र फाड़े और राजकीय वस्त्र उतार कर साधारण वस्त्र पहनने लगा और दबे पाँव। अब अकड़ वकड़ सब खत्म हो गई है, अब कैसे चलने लगा है? अरे भाई मैं पादरी कहलाने के लायक नहीं हूँ, अरे भाई मुझे लीडर मत कहो यार, मैं तो एक विश्वासी के भी लायक नहीं हूँ भाई। क्या ऐसा कभी आपका एटीट्यूड हुआ है? हेलो, नहीं ना। हम तो चोरी करेंगे, हम तो सब कुछ करेंगे, फिर सीना चोरी भी करेंगे। पर अहाब ने अपना एटीट्यूड चेंज किया। अब सुनिए, ये जो एटीट्यूड है ये काई में ले जा रहा है, इसको नम्रता में ले जा रहा है। आगे सुनिए, आगे सुनिए, पढ़ी। तब यहोवा का ये वचन तिशवी एलिया के पास आया। क्या पहुंचा? क्या वचन आया परमेश्वर के दास के पास? क्या तूने देखा है? क्या तूने देखा? अहाब मेरे सामने नम्र बन गया। अहाब मेरे सामने क्या बन गया? 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 अरे नम्र बन गया, नम्र बन गया। इसलिए जो कुछ मैंने उसके विनाश के बारे में सोचा था कैंसिल हो गया, वो मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं विपत्ति डालूंगा। मेरा विषय है आज सुबह, नम्रता विनाश को टाल देती है। सामने कितना भी बड़ा पहाड़ खड़ा हो विनाश का, आपके जीवन की नम्रता, दीनता उस पहाड़ को समुद्र में उखाड़ के फेंकने की ताकत रखती है। इतनी ताकत है उस नम्रता की फांक में। ताली बजानी तो जोर से बजाओ, नहीं बजानी तो मत बजाओ। हालेलुया।
नम्रता इतनी जबरदस्त वेपन है, एक हथियार है हमारे पास, कि हम खुदा के इरादों को भी बदलने की ताकत रखने वाला वेपन है वो। खुदा अगर झुकता है ना भाई, तो सिर्फ हमारी नम्रता के वजह से झुकता है। बी हम्बल, अपने आप को हमेशा नम्र बना के रखो। कोई विनाश आपके सामने भी खड़ा होगा, आपका परिवार टूटने वाला है, डोंट वरी, नम्र बन जाओ, देखते हैं कैसे टूट जाएगा, कैसे टूटता है देखो। पति पत्नी के बीच में तनाव है, तलाक की नौबत आ गई है, एक जना नम्र बन जाओ, टूटेगा परिवार। लेकिन पत्नी अपनी अकड़ में और पति तो फिर अपनी अकड़ में, तो फिर क्या होगा, परिवार के दो भाग वो नहीं है। लेकिन नम्रता की फांक अगर खाली, नम्रता अगर धारण कर ली, तो मैं आपको बोलना चाहता हूँ, विनाश का समुंदर आपके सामने से बोलेगा, नम्र लोग आ रहे हैं, मेरे को जाना पड़ेगा, यहाँ से रास्ता देना पड़ेगा। हालेलुया। बाइबल में एक उदाहरण नहीं है ऐसा। यह तो मैंने केवल अहाब बादशाह के बारे में बताया कि अहाब बादशाह नम्र बन गया, इसलिए क्या लिखा है कि वो नम्र बन गया इस कारण, बोलो इस कारण, इस कारण, किस कारण, कौन सा कारण, काय कारण, नम्र बनने के कारण, इस कारण, इस कारण, इस कारण कि वह मेरे सामने नम्र बन गया, इस कारण कि वह मेरे सामने क्या बन गया है, नम्र बन गया है, मैं वो विपत्ति उसके जीते जी उस पर न डालूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, कोई तो बोले हालेलुया। अब बताओ, नम्रता में इतना दम है ना कि परमेश्वर को भी बदल दिया उसने, बोलो है कि नहीं है। लेकिन आपकी प्रॉब्लम क्या है, अकड़, कभी वस्त्र नहीं फाड़े, कभी नहीं बोला मेरी वजह से हुआ है, कभी नहीं बोला ये मेरी वजह से हुआ है, कभी नम्र होकर ये नहीं कहा मेरी गलती है पास्टर, मेरी वजह से मेरा परिवार नाश हुआ पास्टर, मेरी अकड़ की वजह से, मेरी गलती की वजह से। मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अपने जीवन में नम्रता धारण करें, विनाश का समुंदर आपके पास से दुम दबाकर भाग जाएगा, क्योंकि यहोवा की ओर से एक आदेश आएगा, क्योंकि नम्र लोगों के लिए लिखा है, नम्र लोगों को यहोवा संभालता है और वो उसके फेवर में खड़ा हो जाता है। अभी तक अहाब के क्या था, ये अगेंस्ट था, विनाश कहाँ से आने वाला था, ऊपर से आने वाला था। लेकिन ऊपर वाले का भी इरादा बदलने की अगर हथियार है तो वो है नम्रता। हालेलुया, क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। हालेलुया, नम्रता वो हथियार है माय डियर। गाली का जवाब गाली से मत दो, ईंट का जवाब पत्थर से मत दो, लड़ाई झगड़े का जवाब लड़ाई झगड़े से मत दो, पर हर चीज का जवाब नम्रता से दो। देखो सामने वाला किस प्रकार से आपके जीवन में झुकता है कि नहीं झुकता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका पड़ोसी आपसे रोज लड़ता है, आप उसे जाके नम्रता से बात करो, भाई अच्छा भाई, मेरे भाई मेरी गलती है, सब मेरी गलती है, ले मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ। क्या करेगा वो, बोलो ना, करेगा कि नहीं करेगा। अरे जब इंसान माफ़ करता है तो खुदा है। हालेलुया, हैं? तो इस बात को समझें कि नम्रता जो है वो विनाश को, आज का मेरा विषय है, नम्रता विनाश को टाल देती है। पढ़िए एक और आयत, दूसरा इतिहास 12:6, दूसरा राजा, एक और राजा आया आहाब के बाद, एक और राजा आया जिसका नाम है रहुबियाम। पढ़िए जल्दी से दूसरा राजा 12:6, मैं बस आपको हिंट्स दे रहा हूं कहां कहां है, आप घर जाके पढ़ लेना, पढ़ लिए। तब इसराइल के हाकिम और राजा क्या हो गए, हेलो क्या हो गए, दीन हो गए, क्या हो गए, क्या हो गए, दीन हो गए, और कहा यहोवा धर्मी है, यहोवा क्या है, धर्मी है, मान लिया कि परमेश्वर महान है। हालेलुया, एक और आयत निकाल के पढ़े, दूसरा इतिहास 33:12-17। तब संकट में पढ़कर वह अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा। संकट जब आता है हमारे जीवन में तो वो संकट हमें क्या करता है, प्रभु के पास लाता है, और
और संकट जब आया इसके जीवन में तो ये क्या करने लगा? अपने पूर्वज कहाँ गया? जब आपके जीवन में परेशानी हो तो आपको कहाँ जाना है? किसके पास जाना है? किसके पास जाना है? संकट में पड़कर वो अपने परमेश्वर यहोवा को मानने लगा और अपने पूर्वजों के परमेश्वर और अपने पूर्वजों के परमेश्वर के सामने बहुत दीन हुआ। बोलो बहुत दीन हुआ। हम्बल क्या हुआ? क्या हुआ? ये तो परमेश्वर के सामने दीन हुआ, तुम तो पति के सामने नहीं होते हो। और तुमको बोल रहा हूं पत्नियों के सामने भी नहीं होते हो। हेलो। और तीसरा हमें परमेश्वर के सामने दीन होना है। आपस में एक दूसरे के सामने दीनता धारण करो, नम्रता धारण करो। देखो विनाश कैसे नहीं जाता आपके घर से। देखो अनाज्ञाकारिता जो आ रही है आपके जीवन में परिवार में से कैसे नहीं जाती है। ये मेरा अनुभव बांट रहा हूं मैं आपके साथ। इन 24 सालों में परमेश्वर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मुझे बहुत नम्र किया। अब मैं ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता हूं, गाली का जवाब कभी गाली से नहीं देता हूं, श्राप का जवाब कभी श्राप से नहीं देता हूं। अपने आप को खेदित कर लेता हूं, अपने आप को दुखी कर लेता हूं, अपने आप को कुंठित कर लेता हूं, लेकिन सामने वाले को कुछ नहीं बोलता। अच्छा भाई तू मेरे से बड़ा है, तू मेरा बाप है, तू सब कुछ समझता है, मैं बेवकूफ हूं, मैं गवार हूं। पलट के जवाब नहीं देता हूं। इसलिए आज मेरे पास क्या है? धन, महिमा और अनंत काल का जीवन की श्योरिटी है मेरे पास। दो चीजें अभी आपको दिख रही हैं। आई टेल यू डेफिनेटली मैं अनंत काल के जीवन में आपसे मिलूंगा और आशा करता हूं आप भी वहां पर मुझे मिलेंगे। वहां पर पतरस होगा, वहां पर यहुन्ना होगा, वहां पर याकूब होगा, वहां दिनकरण जी होंगे, वहां बिली ग्रहम होंगे और वहां पास्टर राजेंद्र डेविड भी होंगे और आप भी होंगे और हम सब मिलकर वहां पर हालेलुया हुल्लड़ कर रहे होंगे। और मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि काश मुझे प्रचार करते करते कोई शहीद कर दे, मैं शहीद हो जाऊं। अरे मरना तो सबको एक दिन है, काश खुदा मुझे शहीद होने का मौका दे, क्योंकि मुझे मालूम है जब मैं शहीद होऊंगा एक विशेष दर्जा जैसे शहीदों को धरती पर मिलता है ऊपर भी मिलने वाला है। मैं प्रचार करते करते गोली मार दूं, मार दे कोई मुझे, वो मौत प्रभु से मांगता हूं। क्या आप मेरे साथ हैं? मैं वो चीज चाहता हूं। अरे मरना तो सबको एक दिन, 70-80 साल के बाद भी तो मरूंगा, खांस खूंस के खांसी से मर जाऊंगा, किसी चीज से मर जाऊंगा, तो गोली खा के क्यों ना मरे, ताकि जब ऊपर जाए तो यीशु मसीह बोले आने बेटा राजू आ गया तू, और मैं प्रभु से बोलूं हाँ प्रभु मैं अपनी दौड़ पूरी करके आ गया हूँ। हालेलुया। और मैं विश्वास करता हूँ मेरा यीशु मसीह मुझे सीने से लगाएगा। हालेलुया। मैं इस आशा में अपना जीवन को जी रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैं शहीद होना चाहता हूँ मसीह के लिए। हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है बेटा? और उससे प्रार्थना की, और उससे प्रार्थना की, दीन बना और उससे प्रार्थना की, और तब उसने प्रसन्न होकर उसकी विनती सुनी। किसने? विनती सुनने वाला कौन है? परमेश्वर। वो क्यों प्रसन्न हुआ? पास्टर जी विपिन सर क्यों प्रसन्न हुआ? वो किसने प्रसन्न किया परमेश्वर को? उसकी नम्रता ने, उसकी दीनता ने प्रसन्न कर दिया। हालेलुया। और उसकी प्रार्थना सुनी गई। आगे बैठा है। हालेलुया। विनती सुनी। हाँ। और उसको यरूशलेम में पहुंचाकर उसका राज्य लौटा। और कहां पहुंचाया उसे? कहां पहुंचाया उसे? यरूशलेम में पहुंचा दिया। यरूशलेम मतलब खुदा के घर में वापस पहुंचा दिया। हालेलुया। और उसका जो राज्य छीन लिया गया था वो वापस लौटा दिया। मैं आप विश्वासियों आपसे कहना चाहता हूं, आपकी अकड़ में जो कुछ आपने खोया है नम्र बन जाओ, जो कुछ तुमने खोया है तुम्हें वापस मिलने वाला है।
आपने अपनी पत्नी खोई है, पत्नी वापस मिलने वाली है। आपने अपना पति खोया है, आपको पत्नी में पति मिलने वाला है। आपको आपने अपनी जायदाद खोई है, अकड़ में प्रभु उसे लौटाने वाला है, लेकिन नम्र लोगों को लौटाएगा। हालेलुया। नम्रता वो फांक है जो विनाश को ढाल देती है। इट इज अ वेपन। जैसे एक बंदूक के सामने सब लोग घुटने टेक देते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं नम्रता भी एक हथियार है। उस नम्रता के सामने बड़े बड़े राजाओं के जब नम्र बने तो बड़े बड़े काम उनके जीवन में हुए। राजाओं के नम्र बनने से परिस्थितियां बदल गई, और लिखा हुआ है जो खोया हुआ था वो भी उसे लौटा दिया गया। आपका कुछ खोया हुआ है पिछले दिनों में? आपने अपनी अकड़ में बहुत कुछ खोया है। हो सकता है आपका बिजनेस में ताला लग गया हो, हो सकता है आपकी नौकरी चली गई हो। मैं आज शाम दोपहर के समय में आपसे कहना चाहता हूं कि आप अपने आप को नम्र करें। जो कुछ खोया हुआ है प्रभु वापस लौटाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ दे बेटा। तब मनुष्य को निश्चय हो गया, तब मनुष्य को निश्चय हो गया कि यहोवा ही परमेश्वर है। तब उसने कहा यहोवा ही परमेश्वर है। और इसके बाद उसने दाऊदपुर से बाहर गिहोन के पश्चिम की ओर नाले में मछली फाटक तक एक शहरपना बनवाई। 23 पद पढ़ दो बेटा, आगे जाके आप घर में पढ़ लेना है ना, समय नहीं मुझे पर मेरे पास। आगे जैसा उसका पिता मनुष्य यहोवा के सामने दीन हुआ, वैसे वह दीन न हुआ। जैसे बाप नम्र बना, दीन बना, बेटे को भी क्या करना चाहिए था, लेकिन उसने क्या किया? दीन न हुआ। हेलो, मैं चाहता हूं जितनी नम्रता मुझ में आई ना, उससे कई गुना अधिक नम्रता मेरे बेटे बेटियों में आ जाए। ये मेरे दिल की इच्छा है। सुन रहे हो तो, और नहीं सुन रहे तो मेरा मैसेज उन तक कन्वे कर देना। ताकि वो दोषी ना पाए जाए। यहां लिखा है आमोन अधिक क्या हो गया? आमोन अधिक दोषी होता गया क्योंकि उसने अपने बाप के रास्ते को नहीं पकड़ा। हालेलुया। एक जगह से और पढ़ेंगे हम, दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसका 27 पद। कि इसलिए कि तू वे बातें सुनकर दीन हुआ, मनुष्य के लिए लिखा हुआ है, और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया। सॉरी, योशिया बादशाह के लिए लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर के सामने दीन हुआ। परमेश्वर के सामने क्या हुआ? परमेश्वर के सामने क्या बना? दीनता। समझते हैं आप नम्रता और दीनता? क्या बनना है हमको परमेश्वर के सामने? नम्र और दीन बनना है। यहोवा यूं कहता है, मैं इस स्थान और उसकी बातें सुनकर। भाई साहब, दूसरा इतिहास 34 अध्याय उसका 27 पद डालो। कि इसलिए कि तूने वे बातें सुनकर, इसलिए कि तू ये बातें सुनकर दीन हुआ और परमेश्वर के सामने अपना सिर झुकाया। क्या करा इसने? अपने परमेश्वर के सामने अपना सिर झुका दिया, यानी अपनी अकड़ को, अपने घमंड को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। तू ही परमेश्वर है। आपको पता है नबूकदनेस्सर राजा कब होश में आया? पता है आपको? वहां लिखा है जब नबूकदनेस्सर ने ये कहा, तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, जब उसने ये कहा कि तू ही जो स्वर्ग में है ना, तू ही परमेश्वर है, उसके बाद उसका स्क्रू टाइट हो गया वापस, जो ढीला हो गया था हुआ ने पास्टर। और बाइबल बताती है सारे मंत्री लोग, जब उसने कहा ना तू ही परमेश्वर है, तो सारे मंत्री लोग अब उसके पास आ रहे हैं उसे राजा बनाने के लिए वापस। जब तक तुम ये नहीं कहोगे तू ही स्वर्ग का परमेश्वर, मेरा परमेश्वर है, तुम्हारी परिस्थितियां बिगड़ी रहेंगी। लेकिन जिस दिन तुम ये कहोगे स्वर्ग के परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, उस दिन तुम्हारी परिस्थितियां बदलने लग जाएंगी। तुम जानवरों के बीच में से निकाले जाओगे, स्वर्ग के परमेश्वर तुम्हें वापस उठाकर तुम्हें महलों में पहुंचा देगा। हालेलुया। लेकिन बोलना क्या पड़ेगा?
मती में भी परमेश्वर के वचन में लिखा है, जब तक तुम ये ना कहो कि धन्य है वो जो उसके नाम से आता है, आपको बोलना पड़ेगा अपने मुंह से, आपको सर झुकाना पड़ेगा उसके सामने और कहना पड़ेगा तू ही परमेश्वर है, तू भी परमेश्वर है, उससे काम नहीं चलेगा, तू ही परमेश्वर है। जैसे ही आप ये स्वीकार करेंगे तू ही परमेश्वर है, सारी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएंगी। नबूकदनेस्सर की परिस्थितियां कब बदली पास्टर? जब उसने कहा स्वर्ग के परमेश्वर तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, जानवरों के बीच में से निकाल के परमेश्वर ने उसे फिर से राजा के पद पर बैठा दिया। आपकी परिस्थितियां बदल नहीं रही ना, उसका कारण क्या मालूम है? आप लोग बोलते हो तू भी परमेश्वर है, तू भी, ये भी और ही का जो भेद है ना माय डियर, ये बड़ा भयंकर भेद है। इस भेद को खत्म करना पड़ेगा, यह दीवार गिरानी पड़ेगी, आपको बोलना पड़ेगा तू ही परमेश्वर है। और जिस दिन तुम ये बोलोगे स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह तू ही परमेश्वर है, उस दिन से तुम्हारे घर की परिस्थितियां बदलना चालू हो जाएंगी। विनाश सामने से भागने लगेगा, विनाश उल्टा लौट जाएगा। जो नदी तुम्हें डुबोने आ रही थी वो नदी उल्टी बहने लगेगी, जो समुद्र तुम्हारे सामने खड़ा हुआ था तुम्हें खोल करके रास्ता देना शुरू कर देगा और कहेगा ए परमेश्वर के लोगों जाओ। हालेलुया, क्या आप तैयार हैं आज सुबह ये कहने के लिए तू ही परमेश्वर है, तूने दिया था तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य है, लेकिन फिर भी तू मेरा परमेश्वर है। कभी कभी हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, जब किसी चीज को पाने आते हैं और हमारे को वो मिल जाती है, हम बोलते हैं हालेलुया प्रेज द लॉर्ड तू परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है, लेकिन अगर ना मिली तो? जब आपको कुछ ना मिले और आपकी परिस्थितियां विपरीत हों तब भी आपके मुंह से ये निकले तू ही परमेश्वर है, देखना फिर परिस्थिति कैसे बदलना शुरू होगी। हालेलुया हालेलुया, तू ही परमेश्वर है। अब जब आप ये बोलोगे तो आपको बताना चाहता हूं आपकी परिस्थितियां बदलना शुरू हो जाएगी। हालेलुया, आइए परमेश्वर के वचन में से हम दानियल की किताब को निकालें और उस चीज को देखें कि वो परमेश्वर कहता है कि तब पढ़ो दानियल की किताब और उसका 34 पद, चौथे अध्याय के 34 पद को पढ़ें, जल्दी से पढ़ दें ये आयत जो मैंने अभी कोट की आपको। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने जो जानवरों के बीच में, बैलों के बीच में परिस्थितियां खराब थी, चुंगल में जो है नाखून बड़े हुए थे और हाल पांव बंधे हुए थे, तमाम प्रकार की परिस्थितियां विपरीत थी, उस नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें किसकी ओर उठाई? आपकी आंखें कहां लगी रहती है आज? आपकी आंखें अगर स्वर्ग के परमेश्वर की ओर लगी रहेंगी ना, आप कभी अपने ईमान से डोमेडोल नहीं हो गए। आपकी आंखें हमेशा पादरी की ओर लगी रहती हैं, पास्टर के पर निशाना मत बनाओ, स्वर्ग के परमेश्वर को दिहारो। हालेलुया, हाँ क्या लिखा है बेटे पढ़ना? और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। और मेरी बुद्धि क्या हो गई? क्या हो गई? मैं सोचता हूँ उसने बोला होगा तू ही परमेश्वर है प्रभु, अब तो बदल दे मेरी परिस्थितियाँ। और बाइबल बताती है जो बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी वो बुद्धि ज्यों की त्यों हो गई। हालेलुया, पढ़ो पढ़ो आगे पढ़ो। तब मैंने परम प्रधान को क्या कहा? तू ही धन्य परमेश्वर है, तू ही लेता है, तू ही देता है, तेरा नाम धन्य हो। आगे, और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति आगे महिमा यह कहकर करने लगा। आगे आगे आगे, उसकी प्रभुता सदा की है। 36 पद पढ़ दो, 36। उसी समय मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई और मेरे राज्य की महिमा के लिए मेरा प्रताप और मुकुट मुझ पर फिर आ गया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खोया हुआ
वापस आने लगा, खोया हुआ अभिषेक वापस आने लगा, खोया हुआ मुकुट वापस आने लगा। हालेलुया। मेरे मंत्री और प्रधान लोग मुझसे भेंट करने कौन कौन आ रहा कौन कौन आ रहा मिलने पहले कोई 7 साल से पूछता भी नहीं था, लेकिन अब कौन आ रहा है मिलने? मंत्री लोग, राजा लोग, मंत्री लोग आ रहे हैं मिलने के लिए। हालेलुया। परिस्थितियां बदल जाएंगी जिस दिन आप ये कहोगे, यहोवा तू ही परमेश्वर है, तू ही परमेश्वर है। आगे बेटा। और मैं अपने राज्य में स्थिर हो गया। और वो अपने राज्य में क्या हो गया? आप स्थिर होना चाहते हैं? कहो ना, कहो तू ही परमेश्वर है, तेरे अलावा कोई परमेश्वर नहीं है। हालेलुया। हाँ पढ़ दे बेटा। और मेरी और अधिक प्रशंसा होने लगी। क्या क्या होने लगी? प्रशंसा किसकी ओर से आती है? क्यों मिली इसे प्रशंसा, प्रतिष्ठा क्यों मिली इसे? क्योंकि ये अपने आप को क्या कर बैठा, नम्र कर बैठा। कोई तो बोले हालेलुया, कोई तो भाई बोले हालेलुया। आज सुबह अगर आपकी परिस्थितियां बिगड़ी भी हैं, तो एक ही तरीका है, अपने वस्त्र फाड़ कर बोलो, प्रभु मुझसे पाप हुआ है और मैंने जान लिया है स्वर्ग के ऊपर, पृथ्वी के ऊपर, स्वर्ग के अंदर केवल तू ही परमेश्वर है। पढ़ो आगे। अब मैं नबूकदनेस्सर राजा, स्वर्ग के राजा को सराहता हूँ। किसके राजा को सराहता है? क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या चीज है जो आपको विनाश से बचा सकती है? कोई बोलेगा? कौन? ये नम्रता किसको मिलती है, कहाँ से मिलती है? आत्मा पाने वालों को मिलती है। ये काय का फल है? आत्मा का फल है भाई, काय का फल है ये? ये नारंगी वो नहीं है जो बाजार में मिलती है, ये आत्मा का फल है। और आत्मा से जन्मे हुए लोगों को मिलता है, और आत्मा का, जो आत्मा में चलते हैं उनके साथ हमेशा ये फल बने रहते हैं। और जिनके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो नम्र भी नहीं। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, अगर पवित्र आत्मा आपको प्रिक कर रहा है तो खुदा को धन्य कहना कि खुदा तेरा धन्यवाद, तूने मुझे अभी तक छोड़ा नहीं है। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको प्रिक करना छोड़ दे, ये आपके लिए बहुत खतरे का निशान है। जब आपको लगे कि मेरा ही मार्ग सही है, मैंने कोई गलत नहीं किया है, समझ लेना विनाश के समुद्र के बिल्कुल निकट आ गए हो। जब पवित्र आत्मा को प्रिक कर रहा है तो समझ लेना अभी प्रभु का कुछ अंश, पवित्र आत्मा का कुछ अंश, पवित्र आत्मा की कोशिश जारी है मुझे कुछ बनाने के लिए। और यदि आज सुबह इस मैसेज को सुनने के बाद भी आपके अंदर प्रभु का आत्मा काम कर रहा है और आपको लग रहा है कि सचमुच में मुझे नम्र बनने की जरूरत है, मुझे ये कहने की जरूरत है कि स्वर्ग का परमेश्वर ही परमेश्वर है, तो परिस्थितियां बदलने लगेंगी। तो इस को बात को आज आपको सुबह मानना है कि अगर परिस्थितियां बदलनी है तो मुझे प्रभु के सामने वस्त्र को फाड़ना है, नम्र और दीन बनना है, घुटनों में जाना है, उपवास की प्रार्थना में जाना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके व्यापार की परिस्थिति बदल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके जो है घर की परिस्थितियां बदल जाएगी, आपके बच्चों की परिस्थितियां बदल जाएगी, आप वैसे नहीं रहोगे जैसे आज की तारीख में आप हो। परिस्थितियां बदलने वाला परमेश्वर आपके घर में उतर आएगा। हालेलुया। अंत में दो बात बोलकर मैं समाप्त करूंगा। जो अलग होना चाहता है वो अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए अलग होता है। उड़ाऊ पुत्र जो है अलग क्यों गया? अपनी इच्छा को पूरा करने है। और कुकर्म में उसने जाकर क्या करा? अपना सारा धन खत्म कर दिया, सुअरों के बीच में रहने लगा, परिस्थितियां बिगड़ गई। बाप के घर में बहुत सारा स्थान है, बाप के घर में नौकर चाकर ऐश कर रहे हैं, ये बाप का बेटा होने के बाद भी क्या कर रहा है? सुअरों की फली खा रहा है। कपड़े हैं नहीं, बाल बड़े हुए हैं, बाल कटाने को पैसे नहीं है। पहले तो डीओ लगाया करता था फुसफुस, अब तो फुसफुस के लिए पैसे है नहीं। आप सोचो सुअरों के साथ कैसी खुशबू में रहता होगा वो, कितनी प्यारी खुशबू आती होगी।
क्या हाल हो गए होंगे। लेकिन एक दिन लेटे लेटे उसने अपने जीवन में सोचा, मेरे बाप के घर में तो नौकर आराम कर रहे हैं, और मन में उसने ठान लिया, मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा। ही हम्बल हिमसेल्फ, उसने बोला मैं अपने बाप के पास जाऊंगा और जाके कहूंगा मैंने तेरे विरोध में और स्वर्ग के परमेश्वर के विरोध में पाप किया है। और बाइबल बताती है वो उठा, नम्र बना, अपनी अकड़ को ताक में रखा और जाकर बाप से कहा, पापा मैं इस लायक नहीं हूं कि तुम्हारा बेटा कहलाऊं, आई एम अ सिनर, बिग सिनर, मैं पापी हूं, मैं तेरा बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं, मैंने तेरे विरुद्ध में और परमेश्वर के विरुद्ध में दोनों के विरुद्ध में पाप किया है। एक व्यक्ति जब गलती करता है तो दो प्रकार के लॉ तोड़ता है वो, एक तो खुदा का लॉ तोड़ता है और एक जिसके विरोध में गलती करता है उसका लॉ तोड़ता है। अब इस लायक नहीं हूं, ये क्या कर रहा है अपने आपको, क्या कर रहा है, अपने वस्त्रों को फाड़ रहा है, अपने हृदय को फाड़ रहा है और खुदा के और अपने बाप से जाके कह रहा है मैं बेटा कहलाने के लायक नहीं हूं। क्या बना, नम्र। बाप ने कैसे एक्सेप्ट किया। अच्छा ये बताओ, ये अपने ससुरों को भी साथ लाता तो क्या होता, बोले पापा ये मेरे फ्रेंड्स हैं, ये भी मेरे साथ हैं, ये इन्होंने मेरे बुरे दुख में इन्होंने साथ दिया है मेरा, अब ये भी मेरे साथ ही रहेंगे, तो बाप क्या बोलता। मैं सोचता हूँ बाप ये बोलता, भाई तू रह सकता है, इनके लिए कोई स्थान नहीं है। गंदगी के लिए खुदा के पास कोई स्थान नहीं, ध्यान रखना, बेटे के लिए स्थान है, लेकिन बेटा नम्र बन के बाप के पास आए। कई बार हम बाप बन के आते हैं, बेटा बाप बन के आता है, बेटा क्या बन के आता है, बाप बन के आता है। विश्वासी को मैं बोलना चाहता हूं, विश्वासी बन के रहो, पास्टर बनने की या गुरु बनने की जरूरत नहीं है, पहले एक अच्छे विश्वासी बनो, फिर एक अच्छे लीडर बनो, फिर एक अच्छे पास्टर बनो। हालेलुया। और उस उड़ाऊ पुत्र ने अपने बाप के सामने अपने आप को नम्र किया। लुका के 18वें अध्याय में दो व्यक्ति प्रार्थना करने आए, एक व्यक्ति धार्मिक है, बोलता है मैं दशमांश देता हूँ, मैं भेंटे देता हूँ, मैं इसके तरह नहीं हूँ, मैं उसकी तरह नहीं हूँ। क्या कर रहा है, अपनी धार्मिकता को फगार रहा है, घमंड से भरा हुआ है। लेकिन एक व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है, वो कह रहा है प्रभु मैं ऊपर देखने के लायक भी नहीं हूं। ये क्या बता रही है, उसकी नम्रता। प्रभु ने दोनों में से किसकी प्रार्थना सुनी, प्रभु नम्र लोगों को पसंद करता है। हालेलुया। और प्रभु ने उसकी प्रार्थना सुनी, उसका उत्तर दिया, उस उड़ाऊ पुत्र को अपने गले लगाया और क्या बोला, इसको नहलाओ, इसको धुलाओ, इसको नए वस्त्र पहनाओ, पला हुआ बछड़ा कटाओ और अंगूठी वापस से इसको पहनाओ। जो खोए हुए अधिकार थे वापस मिल गए। हेलो, मैं पत्नियों से कहना चाहता हूँ, तलाक क्यों देवे, जो स्थान हमारा है, जो बाहें हमारी है, हम दूसरे को क्यों देवे। नहीं आई समझ में, आएगी भी नहीं। जिन बाहों पर हमारा अधिकार है उन बाहों में दूसरा क्यों जाए, क्यों दें तलाक। नहीं देंगे तलाक, बोल क्या करना है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि डिवोर्स शब्द हमारे इस कलीसिया में से गायब हो जाए। हालेलुया। लेकिन वो चीज कौन गायब कर सकता मालूम है, नम्रता की फांक। अगर हम नम्र बन जाएंगे कहाँ होंगे लड़ाई झगड़े, होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं। आइए आज सुबह के समय में अपने जीवन को प्रभु की वेदी पे लेके जाएं, नम्र बने और विनाश को कहें, विनाश चल हट पीछे। विनाश नम्रता से क्या हो जाता है, टल जाता है। प्रभु अपने इरादों को बदल देता है। नम्रता वो हथियार है
जो परमेश्वर के इरादों को भी बदलने की सामर्थ्य रखती है।